हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। सो आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियाई। देखिए, इस टॉपिक का अपने आप में कोई वेटेज नहीं है, इससे कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है, बट विदाउट दिस टॉपिक आप न्यूक्लियाई चैप्टर के डेरिवेशंस को या न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें रहती हैं, किस किस से मिलकर न्यूक्लियस आपका बना होता है, और साथ ही साथ में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस चीज़ को, यानी कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कैसे रिलेट किया जाता है और क्या सिंबल्स इनके लिए यूज किए जाते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक एटम का एक ड्रॉ बनाने का ट्राई करूँ, सो दिस इज, ये मान लीजिए कि ये मेरा है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर मान लीजिए कि ये है मेरा ऑर्बिट, और ऑर्बिट में कौन बैठा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक ही ऑर्बिट बनाया है, हो सकता है कि यहाँ पर एक से ज़्यादा ऑर्बिट भी एग्जिस्ट करते हों। ठीक हो गया, दिस इसको हटा दो, दिस। अब देखिए यहाँ पर कौन बैठे हुए? इलेक्ट्रॉन। अब आपको पता होना चाहिए पहली बात कि जो न्यूक्लियस होता है वो एटम का जो 99% मास होता है वो कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस में ही होता है। आई बात समझ में? ऑन दिस इज अवर न्यूक्लियस, जो कि एटम का लगभग 99% मास लिए बैठा है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन, पी पॉजिटिव से दिखाऊंगा मैं इसको, एंड न्यूट्रॉन, जिसको कि मैं कैपिटल एन से दिखाऊंगा। आई बात समझ में? अब देखिए, ये पी को दिखाया कैसे जाता है? प्रोटॉन, प्रोटॉन। आखिर प्रोटॉन है क्या? प्रोटॉन होता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, यानी कि जेड होता है, उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 8। जितना एटॉमिक नंबर उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। मान लीजिए स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे? 21। आई बात समझ में? एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन डिनोटेड बाई जेड, और जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर। अब देखिए, जो जेड होता है एटॉमिक नंबर, इसको क्या बोला जाता है? एटॉमिक नंबर। और जेड ही को एक चीज और बोला जाता है, अभी दो मिनट पहले बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्लस जेड को एक चीज और बोला जाता है, जो कि है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई एटम है तो स्टेबल रहेगा इलेक्ट्रिकली। इसका मतलब उसमें जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि अगर उसमें जेड प्रोटॉन है तो जेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे, बशर्ते आपके इलेक्ट्रॉन दिए या लिए जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, बट प्रोटॉन्स को ना ही दिया जा सकता है और ना ही लिया जा सकता है, यानी कि प्रोटॉन हमेशा सेम रहेंगे, कभी भी चेंज नहीं होंगे। बट इलेक्ट्रॉन का क्या है? इलेक्ट्रॉन अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एटम कभी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, कभी इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है, या आपने केमिस्ट्री में बढ़िया से पढ़ा हुआ है। ठीक हो गया, हमने बात की एटॉमिक नंबर की, अब बात करते हैं एटॉमिक मास की, डिनोटेड बाई कैपिटल ए, इसी को मास नंबर भी कहते हैं। अब आपको पता है कि जो एटम का लगभग सारा मास होता है वो न्यूक्लियस पे होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस पे कौन कौन होते हैं? आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दें, ठीक है, प्लस मान लीजिए आप इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ दें, तो आपका क्या निकल जाएगा? मास। बट इलेक्ट्रॉन का मास लगभग क्या होता है? नेग्लिजिबल, इसीलिए हम इसको कंसीडर नहीं करते हैं। हम एटॉमिक मास इक्वल टू लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब देखिए, ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर जेड, ठीक है, इसको ऐसे बना लेता हूँ, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को दिस। तो अगर आपके एग्जाम में कभी आएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालो, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन पी पॉजिटिव, आप कितने बोलोगे? जेड। ठीक हो गया, देखिए जेड। अगर आपसे पूछा जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो, तो आप क्या लिखेंगे? अगेन जेड, क्योंकि जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालो, तो अब आप क्या बोलेंगे? ए माइनस जेड। सोच के देखिए इस एक्सप्रेशन में, अगर एन निकालना हो तो क्या हो जाएगा? ए। एटॉमिक मास में से जब नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन।
और लास्ट में अगर बोला जाएगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास इसको किससे डिनोट किया जाता है, ए से। आई होप यहाँ तक का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सिर्फ इतना ही कंपोजिशन था आपका न्यूक्लियस का, क्योंकि आपके न्यूक्लियस के कंपोजिशन पे शॉर्ट नोट लिखो, कमेंट लिखो, ऐसा सीबीएसई में नहीं पूछा जाता। इससे लॉजिकल क्वेश्चन बनेंगे और जो आने वाले डेरिवेशंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर चार्ज या मास डिफेक्ट, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हल्का सा यूज होगा। आई होप यहाँ तक का आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।